students, you are welcome in my online teaching classes. मैं शीशपाल चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी online teaching classes में. आज मैं video lecture 2 लेके आया हूँ और lesson का नाम है Lost Spring, written by Anish Jung. And this lesson is included in the syllabus of class 12. And this is from your Flamingo book. Let me create a link with the video lecture 1 where we had ended it. इससे पहले कि हम video lecture 2 पे आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि video lecture 1 का जो link है वो create किया जाए. Let's recall, where they find food, they pitch their tents that become transit home. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. Scrounging means searching intensely. जहाँ कहीं भी इनको जगह मिलती है, food मिलता है, जिस भी जगह पे ये जाते हैं और वहाँ उन्हें यदि food मिलने लग जाए, means रोजी रोटी इन्हें मिलने लग जाए, कोई काम धंधा मिल जाए, तो ये वहीं पे अपने टेंट लगा देते हैं. They pitch their tents there. और दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम. ट्रांजिट मीन्स टेम्परेरी, और वो जगह उनकी टेम्परेरी होम बन जाती है. और चिल्ड्रन ग्रो इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे जन्म लेते हैं, फिर ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो इनके साथ काम में लग जाते हैं. जो रैग पिकिंग का काम है इनका, ये बच्चे भी उसी काम को करने लग जाते हैं. दे स्टार्ट डूइंग दैट रैग पिकिंग, दे बिकम हेल्पर इन देयर लाइवलीहुड. और सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग इन सीमापुरी. सीमापुरी में अगर कोई सर्वाइवल का मतलब पूछे इन्हें, रोजी रोटी का मतलब पूछे, जीने का मतलब पूछे, तो दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डूइंग द वर्क ऑफ रैग पिकिंग. और कोई काम इनको आता नहीं है, और रैग पिकिंग के सिवाय ये और कोई काम नहीं कर सकते, तो इनके लिए सर्वाइवल रैग पिकिंग में ही है. आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप. लेखिका को, अनीस जंग को साहिब बताता है, पूछती होंगी वो कि गार्बेज में से तुम्हें क्या मिलता है, तो वो अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोलता है. और ये चमक उसे उम्मीद की है कि रैग पिकिंग में उन्हें कुछ मिलता भी है. और कहता है कि कई बार, समटाइम्स मीन्स कई बार, ही फाइंड्स ए रूपी, एक रुपया मिल जाता है उसे, या फिर कई बार 10 का नोट भी मिल जाता है. और ये बात कहे कि उसे ऐसा लगा जैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो उसकी, उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है. When you find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको garbage में से कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, you don't stop scrounging. आप scrounging करना means searching करना, तलाश करना नहीं छोड़ सकते. For there is hope of finding more. For का मतलब यहाँ पे है, for means because you have a hope of finding more silver coins or 1 rupee note or 10 rupee note. It seems that for children through the years it has acquired the proportions of a fine art. ऐसा प्रतीत होता है, राइटर अनीस जंग अपने विचार व्यक्त कर रही है. She is expressing her own views here that through their experience they have gained the skill of fine art. ऐसा लगता है that for children, इन बच्चों के लिए, through the years, ये जो वक्त उन्होंने रैग पिकिंग में बिताया है, इतने साल गुजारे हैं, तो ये निपुण हो चुके हैं. इनका जो कार्य है रैग पिकिंग का, दैट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट्स देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट्स ए लीकिंग रूफ. और गार्बेज इनके लिए सोना है, पैसा है. गोल्ड स्टैंड्स फॉर मनी हियर. और इट्स देयर डेली ब्रेड, इस पैसे से वो अपना डेली ब्रेड अर्न करते हैं, कमाते हैं, रोजी रोटी उनकी चलती है. अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और इसी पैसे की वजह से जो इन्होंने रैग पिकिंग से कमाया है, इससे सिर ढकने के लिए इन्हें छत मिली है. मींस ये छोटी मोटी हट्स में रहने लग गए हैं, उसी पैसे से इनको, इन्होंने ये छोटे छोटे घर बनाए हैं. और भले ही इनके जो छत है वो लीकिंग है, लीक करती है, बारिश के दिनों में वो पानी उसमें से टपकता है, बट फॉर ए चाइल्ड इट्स इवन मोर. एक बच्चे के लिए तो ये और भी अधिक है.
ये सब कुछ जो पैसा ये कमाते हैं बहुत मायने रखता है। गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज बच्चों के लिए कुछ और मतलब देता है और पेरेंट्स के लिए कुछ और मतलब देता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए गार्बेज एक वंडरफुल चीज है जिसमें सिक्के निकलते हैं, कीमती चीजें मिलती हैं उन्हें। गार्बेज बच्चों के लिए वंडर इस सेंस में कि ये कला से कम नहीं है, और इसमें जब ये तलाशते हैं, स्क्राउंजिंग करते हैं, सर्च करते हैं, तो इन्हें इनकी मनपसंद चीजें मिलती हैं। कई बार पैसा मिलता है, कई बार खिलौने मिलते होंगे और चीजें मिलते हैं। देयरफॉर दिस वर्क ऑफ रैग पिकिंग हैज बिकम फॉर देम अ पीस ऑफ वंडर। सर्चिंग इन गार्बेज हैज बिकम वंडरफुल देम। एंड फॉर द एल्डर इट्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए सिर्फ ये एक साधन है, मींस है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए एक साधन है। लेट मी पैराफ्रेज इट इन इंग्लिश नाउ। गार्बेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। गार्बेज हैज अक्वायर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंस फॉर देम। गार्बेज इज अ वंडरफुल थिंग फॉर चिल्ड्रन बिकॉज दे फाइंड आउट 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी नोट फ्रॉम द गार्बेज, एंड समटाइम्स दे माइट हैव फाउंड सम टॉयज of their choice also. Rag picking is wrapped in wonder, means full of wonder, and for the elder it's a means of livelihood. One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. एक सुबह सुबह की बात है, सर्दियों की सुबह थी, winter morning. I stands for अनिस जंग। अनिस जंग साहिब को देखती है कि वो एक पड़ोस में एक क्लब है वहाँ पे, और गेट के ऊपर कंटीली तार लगी हुई है, फेंस्ड गेट है, कटीली तार लगी हुई है उस गेट पे। व्हाट इज ही डूइंग देयर, वो क्या देख रहा है। ही इज वॉचिंग टू यंग मैन, दो नौजवान व्यक्तियों को देख रहा है जो टेनिस खेल रहे हैं, और उनके जो ड्रेस है वो व्हाइट कलर में है। सो वन डे साहिब इज स्टैंडिंग नियर द गेट ऑफ ए क्लब दैट इज फेंस्ड वन, एंड ही इज वॉचिंग टू यंग मैन हु आर ड्रेस्ड इन व्हाइट क्लोथ्स, दे हैव वॉर्न व्हाइट ड्रेस and they are playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. लेखिका ने पूछा होगा उससे, गेम के बारे में पूछा होगा कि आप इस गेम को पसंद करते हैं, तो उसने कहा होगा कि मैं इस गेम को पसंद करता हूँ, आई लाइक द गेम। ही हम्स कंटेंट, हम्स का मतलब हमिंग, गुनगुनाना होता है वैसे तो, बट हियर इट मीन्स दैट ही सेड एट ए वेरी लो पिच ऑफ साउंड। लो पिच पे उसने ये कहा, ऐसा लगता था जैसे वो कंटेंट हो। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे ही खड़े होके गेम को खेलते हुए देखना, गेम को देखना उसे लगता है कि वो सेटिस्फाइंग है। I like the game, he hums content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. और वह यह भी एडमिट करता है कि कई बार अंदर भी चला जाता है ग्राउंड पे, when no one is around, जब कोई इधर उधर नहीं होता तो वो अंदर भी चला जाता है जहाँ पे जिस कोर्ट में वो गेम खेला जाता है। कई बार वो कहता है कि he also enters the court. Sometimes the writer must have asked him if he liked the game, then he might have answered that he liked the game. And he answered in a very contented voice, I like the game, he hums content to watch it standing behind the fence. ऐसा लगता है कि लेखिका उससे पूछती होंगी कि तुम्हें गेम पसंद है, तो वो कहता है कि मुझे गेम पसंद है, ये गेम मैं पसंद करता हूँ। और ऐसा भी लगता है जैसे वो सेटिस्फाइड हो, कंटेंटेड हो, फेंस के पीछे से ही, फेंस मीन्स कटीली तार से जो बाड़ की गई है, जो बाउंड्री वॉल है, उसके पीछे से ही देख के वो संतुष्ट हो जाता है। और लेखिका को ये भी बताता है कि कई बार वो टेनिस कोर्ट में अंदर चला जाता है जब कोई आसपास ना हो। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और ये भी कहता है कि जो गेट कीपर है उसको स्विंग यूज करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए, और उसके ये शूज उसकी डिसकलर्ड शर्ट पे और शॉर्ट्स पे अजीब से लगते हैं। डिसकलर्ड मीन्स मटमैली, बदरंगी, डिसकलर्ड मीन्स बदरंगी शर्ट है उसकी, और शॉर्ट्स भी पुराने हैं, तो उस पे वो शूज़ नए शूज़ हैं, तो वो थोड़े अटपटे लग रहे, अजीब लग रहे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन।
जैसे कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, इस तरीके से उसने बताया कि किसी ने मुझे दिए थे. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम. और ये सच्चाई कि वे जो शूज़ हैं, दोज वर थ्रोन बाई सम रिच बॉय, वो शूज़ किसी अमीर बच्चे ने फेंक दिए थे. ही मस्ट हैव रिफ्यूज टू वेयर दैम ड्यू टू अ होल इन वन ऑफ दैम. उनमें से एक में होल था, सुराख था, छेद था एक जूते में, इसलिए उसने, उस अमीर बाप के बेटे ने उन शूज़ को फेंक दिया होगा और इस वजह से उसको मिल गए थे. ये सच्चाई उसको बॉदर नहीं करती. ही डजंट बॉदर अबाउट दिस फैक्ट. ही इज कंटेंटेड टू वेयर द टेनिस शूज. टेनिस शूज को पहन के वो खुश है. ही इज हैप्पी टू वेयर दोज शूज ऑल्दो वन ऑफ देम इज हैविंग ए होल इनटू इट. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू. जिस बच्चे ने अब तक बेयरफुट रहना सीखा है, जो व्यक्ति अब तक नंगे पांव रहा हो और अचानक ही उसे शूज मिल जाए, भले ही उन शूज में से एक में किसी में सुराख हो, उसके बावजूद वह एक सपने से कम नहीं होता. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. परंतु जिस गेम को वो देखता है, इतने शौक से देखता है, इतने इंटेंटली देखता है, फुल ऑफ इंटरेस्ट, इंटेंटली मीन्स विद फुल ऑफ इंटरेस्ट, इतने चाव के साथ देखता है, दिलचस्पी के साथ देखता है, तो वो गेम उसकी पहुंच से दूर है, आउट ऑफ रीच है. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर. आज की सुबह जब ये अनीस जंग को मिलता है, तो साहिब अपने रास्ते पे है, मिल्क बूथ पे गया होगा, दूध लेने गया था वहां पे. उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है, दैट इज कॉल्ड कैनिस्टर. और लेखिका, आप जानते हैं कि शी ऑलवेज टॉक्स विद हिम, आस्क्स हिम समथिंग, सम क्वेश्चंस, एंड ही गिव्स रिप्लाइज टू दोज क्वेश्चंस. आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड. इशारा करके कहते हैं कि इधर मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ और आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. मुझे तीनों वक्त का खाना मिलता है और 800 रुपये भी मिलते हैं. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क. लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हें यह कार्य पसंद है. तो यह पूछे जाने पे हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. और जैसे ही लेखिका ये सवाल पूछती है, तो उसका चेहरा उदास हो जाता है. वो जो केयर फ्री लुक थी, बेपरवाही वाली उसमें एक एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे, वो गायब होता है. इसका मतलब ये हुआ कि उसे वो जॉब पसंद नहीं है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. द बैग वाज हिज. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. दिस पैसेज इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंशन. और ये जो पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन में आता रहता है, एग्जाम में आता रहता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो इसे वैसे भी याद कर लेना. तो स्टील कैनिस्टर उसके लिए अब हैवियर लगता है, भारी प्रतीत होता है, एज कम्पेयर टू हिज प्लास्टिक बैग जो वो अपने कंधे पे लटकाया करता था. एक प्लास्टिक बैग था जिसमें वो कचरा वगैरह भरता होगा, वो हल्का था और ये भारी लगता है. हालांकि स्टील कैनिस्टर में भी कोई वजन नहीं होता, इसलिए भारी लगता है कि प्लास्टिक बैग उसका था और ये कैनिस्टर, ये जो कनस्तर है, ये टी शॉप के मालिक का है. मतलब ये हुआ कि नाउ ही इज नॉट हिज ओन मास्टर. प्रीवियसली ही हैड द जॉब एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज जॉब. बट नाउ ही इज वर्किंग फॉर अदर पर्सन. देयरफॉर हिज बॉस हैज चेंज्ड. अनदर पर्सन हैज बिकम हिज बॉस. तो किसी और के अंडर काम करता है. देयरफॉर साहिब इज नॉट फीलिंग हैप्पी. तो साहिब की स्टोरी, प्यारे बच्चों, यहीं ख़त्म हो जाती है. अब दूसरा पार्ट है जिसमें मुकेश की कहानी चलती है, उसके बारे में आपको बताते हैं. द टेल अबाउट मुकेश एंड द बेंगल सेलर्स ऑफ फिरोजाबाद. अब कहानी शिफ्ट होके फिरोजाबाद पे चली गई, जहाँ पे बेंगल सेलर्स हैं और फिरोजाबाद बेंगल्स के लिए बहुत ही मशहूर है. और अब मुकेश की कहानी
से आपका परिचय कराते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। लेखिका अनीस जंग मुकेश से मिलती है और उससे भी वही सवाल करती होंगी, वो उसके बारे में, कार्य के बारे में पूछती होंगी, क्या बनना चाहते हो? तो कहता है कि मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर, और अपने ही काम का मालिक बनने पे वो बल देके कहता है, इंसिस्ट करना होता है बल देके कहना। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और उसकी चॉइस क्या है? मोटर मैकेनिक बनने की। और वो अनाउंस करता है इस बात को बहुत ही दिलचस्पी के साथ, ये बात अनाउंस करता है लेखिका के सामने। वो कहता है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। लेखिका पूछती है कि तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? और वो क्या जवाब देता है? ही आई लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार को चलाना सीख लूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। जैसे ही लेखिका ने पूछा कि कारों के बारे में कुछ पता है, तो लेखिका की आंखों में सीधे देखते हुए कहता है वो कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जैसे ही वो ये शब्द कहता है लेखिका को, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण थी, एक सपना तैर रहा था, अनक्लियर सा सपना उसको दिख रहा था। इस तरह दिख रहा था जैसे कोई मिराज हो। मिराज क्या होता है? मिराज एक भ्रम होता है। जैसे रेगिस्तान में अक्सर मिराज बनते हैं, जो रेगिस्तान में ट्रैवलर्स होते हैं, यात्री चल रहे होते हैं, ऊपर आसमान में सूरज की तपती धूप में वो चल रहे होते हैं, और यदि उन्हें प्यास लगती है, पानी पीने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर देखते हैं। दूर उन्हें ऐसा लगता है जैसे पानी की झील हो, जबकि वो गुबार होता है। मिराज अक्सर धुंध में बन जाते हैं। दूर से ऐसा लगता है कोई झाड़ी, एक बहुत बड़ा पेड़ हो, एक बगीचा हो, इस तरह लगता है। और रेगिस्तान में भी मिराज पैदा होते हैं और यात्रियों को लगता है जैसे आगे चल के पानी दिखाई दे रहा हो उनको। कई बार ऐसा भी होता है, आदमी इंसान अर्ध चेतना में होता है और अर्ध चेतना में उसे स्वप्न में कुछ ऐसे सपने दिखते हैं जो कि भ्रम मात्र होते हैं। तो उसकी आंखों में एक सपना, एक मिराज की भांति तैरता है, और ये फिरोजाबाद की गलियों में जो गर्द है उसमें, लाइक ए मिराज अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल द टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव कम टू नो फ्रॉम दीज लाइन्स। इट सीम्स some dream is floating into his eyes and it looks like a mirage in the streets of Firozabad. Firozabad ki galiyon ki dhool mein उसे अपना सपना साकार होता दिखता है, और वह सपना एक मिराज की तरह है, एक भ्रम मात्र की तरह है, कोई उसमें सच्चाई नहीं है कि वो सपना पूरा हो जाएगा। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. प्रत्येक फैमिली बैंगल मेकिंग के कार्य में लगी हुई है। इट्स द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और इट्स द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, ग्लास को गलाने वाली इंडस्ट्री का ये सेंट्रल प्लेस है फिरोजाबाद, जहाँ पे सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम में लगे हुए हैं। और वो फर्नेसेस क्या होती हैं? भट्टियाँ, भट्टियों के आसपास कार्य करते हैं, जहाँ पे कांच होता है उसको वेल्ड किया जाता है ताकि चूड़ियाँ बन सके। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, देश में सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार इनमें से। आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये फर्नेसेस हैं, ये भट्टियाँ हैं, और ये लोग लगे हुए हैं, भट्टियों के आसपास ही काम करते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी इन्हीं में से है। नन ऑफ देम नो दैट इट्स इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। मुकेश का परिवार इनमें से एक है, और किसी को भी यह नहीं पता कि इन बच्चों को इस काम में लगाना, इन सुलगती हुई भट्टियों के आसपास काम पे लगाना, और छोटे-छोटे कमरों में जिनमें लाइट नहीं है, हवा नहीं है, इनको मजबूर करना काम करने के लिए,
किसी को इस बात की खबर नहीं है कि अगर कानून एनफोर्स हो जाए, कानून लागू हो जाए इन लोगों पर, तो लगभग 20,000 बच्चे यहाँ काम करते हैं, इन गर्म भट्टियों के आसपास काम करते हैं, तो ये सब बच्चे इस नरक से बाहर निकल सकते हैं, ये बात किसी को नहीं पता। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, नन ऑफ देम नो दैट इट्स इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ एनफोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 children out of the hot furnaces. Dingy का मतलब छोटा होता है, small cells कोठड़ियाँ होती हैं, cells means small rooms and these are without air and light. So in these lines the writer tells us that Mukesh family is one among them and no one knows that they are forcing their children to work in the glass furnaces and they have to do work under high temperature and in small rooms where there is no proper air and light. And they don't know this thing that if law against child labor is enforced upon them, that would free 20,000 children like Mukesh out of these hot furnaces. Agar law in pe lagu ho jata hai, to Mukesh jaise 20,000 bachche in furnaces se bahar nikal sakte hain. Where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Aur jahan pe ye 20,000 bachche स्लॉग करना, संघर्ष करना, डेलाइट दिन के दौरान संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, मींस संघर्ष वही हो गए, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और इस अंधेर कोठड़ियों में भट्टियों की चमक के आगे इनकी आंखों की रोशनी कम होती जाती है. मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बींग रीबिल्ट. और मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है, बीम मीन्स शाइन आ जाती है, एज ही वॉलंटियर्स, जैसे वो लेखिका को ऑफर करता है कि वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है, टू टेक हर टू हिज होम, और प्राउडली बड़े गौरव के साथ कहता है उसका घर दोबारा बनाया जा रहा है, इट्स बींग रीबिल्ट, उसमें कुछ मरम्मत वगैरह की जा रही है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज. और फिर वो दिन आता है जब मुकेश के साथ वो लेखिका अनीस जंग जा रही होती और ये ऐसी गलियों में से गुजर रही हैं जहाँ से दुर्गंध आ रही है. स्टिंक करना होता है फाउल स्मेल आना. लेन्स मीन्स स्ट्रीट्स चोक्ड विद गार्बेज, लेन्स मीन्स स्ट्रीट, दोज आर फुल ऑफ गार्बेज, गार्बेज भरा हुआ है वहाँ पे, ढेर के ढेर गार्बेज के हैं. पास्ट होम दैट रिमेन होवल्स with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो जैसे ही मुकेश लेखिका को ले जा रहा है तो गलियों में से होके जा रहे हैं जो कि फाउल स्मेल एमिट कर रही हैं, उनमें से दुर्गंध आ रही है, और देर आर हीप्स ऑफ गार्बेज इन द स्ट्रीट्स एंड दे आर पासिंग द होम्स दैट लुक लाइक स्मॉल डर्टी होम्स एंड विद क्रम्बलिंग देयर वॉल्स आर इन ए डिलैपिडेटिंग कंडीशन, क्रम्बलिंग टूटने वाली कंडीशंस में है, और द डोर्स ऑफ दीज हाउसेज आर वॉबली, वॉबली मीन्स आर वेरी शेकी, दे मे फॉल डाउन इफ यू पुश देम अ लिटल, अगर आप उनको थोड़ा सा भी पुश कर दो तो वो गिर जाएं. देर आर नो विंडोज इन दीज हाउसेज एंड दीज आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और इन छोटे छोटे घरों में जो शेड्स हैं, इन झोंपड़ियों में ह्यूमंस और एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं, एंड दिस इज द प्राइमेवल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे प्राइमेवल स्टेज में इंसान था, जब वो जो एंशंट स्टेट थी ह्यूमन बींग की, जब मानव इतना विकसित नहीं हुआ था, अपने पशुओं के साथ वो अपने घरों में रहता था, तो घरों को देख के लेखिका को ऐसा लग रहा है जैसे ये प्राइमेवल स्टेट में ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही घर के सामने वो रुक जाता है. बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, एंड एक लोहे का बना हुआ दरवाजा है जो वॉबली है, शेकी है, ऐसा है जैसे गिरने वाला हो, तो मुकेश उसको अपने पैर से खोलता है और वे अंदर प्रवेश करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, वी एंड अप दिस लेक्चर हियर. आई विल कम अप विद थर्ड लेक्चर, द लास्ट लेक्चर. टिल देन हैव ए नाइस डे. थैंक यू.